दोस्तों आईपीएल में डेब्यू करते ही गदर मचाएंगे ये 10 ढाका खिलाड़ी। एक का स्ट्राइक रेट क्रिस गेल से भी ज्यादा है दोस्तों आईपीएल 2023 इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन में कई युवा खिलाड़ी डेब्यू करने वाले हैं। इनमें से 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर सभी की नजरें होने वाली है। दोस्तों आईपीएल 2023 इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन की शुरुआत 31 मार्च 2023 से होगी। हर बार की तरह इस सीजन में भी कई युवा खिलाड़ी डेब्यू करने वाले हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में खेलना हर किसी का सपना होता है और इसके पूरा होते ही खिलाड़ी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। आईपीएल में जिन युवा खिलाड़ियों को अपनी टीम से खेलने का मौका मिलता है वे या तो डोमेस्टिक क्रिकेट में या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धमाल मचा चुके होते हैं। इस साल डेब्यू कर रहे खिलाड़ियों में से हमने 10 युवाओं को चुना है जो कि मैदान पर कदम रखते ही गदर मचा देंगे और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के भी दावेदार होंगे। आईपीएल 2023 डेब्यू करने वाले इन 10 खिलाड़ियों पर रहेगी सबकी नजरें। पहले नंबर पर आते हैं दोस्तों इंग्लैंड के धाकर खिलाड़ी हैरी ब्रूक इस साल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलेंगे। वे 24 साल के हैं और उन्हें हैदराबाद की टीम ने 13.20 करोड़ रुपए में खरीदा था। ब्रूक इन दिनों खतरनाक फॉर्म में हैं और लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। T20 में उनका स्ट्राइक रेट शानदार है। वे अब तक 148.38 के स्ट्राइक रेट से 2000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। बैटिंग के अलावा वे मीडियम पेस बॉलिंग भी कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों फिन एलन। न्यूजीलैंड के धाकर ओपनर फिन एलन इस साल विराट कोहली की टीम RCB की तरफ से खेलते नजर आएंगे। वे तेजी से रन बनाने में माहिर हैं। T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले उन्होंने कीवी टीम में मार्टिन गप्टिल की जगह ली थी और तभी से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। कीवी बैटर के नाम 28 T20 मैचों में 160.41 के स्ट्राइक रेट से 616 रन बनाए हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों कैमरॉन ग्रीन। दोस्तों आईपीएल के इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरॉन ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17.50 करोड़ रुपए की मोटी रकम देकर खरीदा है। कैमरॉन ग्रीन पहली बार ही आईपीएल में उतरेंगे। वे एक अच्छे बल्लेबाज होने के साथ साथ एक शानदार गेंदबाज भी है। उनका स्ट्राइक रेट 163 का है जो कि क्रिस गेल से भी ज्यादा का है। गेल का स्ट्राइक रेट आईपीएल में 143 का है जबकि कैमरॉन ग्रीन का 173 का स्ट्राइक रेट है। दोस्तों 23 साल के ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरॉन ग्रीन ने अब तक 8 T20 इंटरनेशनल खेले हैं। इनमें उन्होंने 177.75 के स्ट्राइक रेट से 139 रन बनाए हैं। चौथे नंबर पर आते हैं दोस्तों नूर अहमद। दोस्तों नूर अहमद अफगानिस्तान के गेंदबाज नूर अहमद इस आईपीएल में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। अफगानिस्तान के इस खिलाड़ी को गुजरात ने 30 लाख की बेस प्राइस की कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया है। बाएं हाथ के स्पिनर नूर अहमद हाल ही में वेस्ट इंडीज की मेजबानी में आयोजित अंडर-19 विश्व कप में खेलते नजर आए थे। अंडर-19 वर्ल्ड कप में उन्होंने 6 मैच की 6 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 18.90 के शानदार औसत और 3.81 की इकोनॉमी के साथ 10 विकेट झटके थे। वे हर 23वीं बॉल पर विकेट लेते हैं। पांचवें नंबर पर आते हैं दोस्तों विभ्रांत शर्मा। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में जब विभ्रांत शर्मा की बोली लगना शुरू हुई तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल जम्मू कश्मीर के इस युवा खिलाड़ी के लिए आरसीबी और हैदराबाद ने बोली लगाना शुरू की। 20 लाख की बेस प्राइस वाले विभ्रांत को आखिर में 2.60 करोड़ रुपए की कीमत देकर सनराइजर हैदराबाद ने अपनी टीम में शामिल किया है। जम्मू कश्मीर के लिए घरेलू क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में उनके नाम 786 रन और 15 विकेट हैं। T20 क्रिकेट में विभ्रांत शर्मा के नाम 9 T20 में 6 विकेट हैं। छठे नंबर पर हैं दोस्तों जोशुआ लिटिल। जो आयरलैंड के रहने वाले जोशुआ लिटिल ने ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2022 में पहली हैट्रिक ली थी और सभी को हैरान कर दिया था। उनकी गेंद फंसकर आती है जिससे बल्लेबाज चकमा खा जाते हैं। गुजरात टाइटंस ने 4.40 करोड़ रुपए देकर खरीदा था। आयरलैंड के लिए जोशुआ में 53 T20 मैचों में उन्होंने 62 विकेट लिए हैं। वह हर 17वीं बॉल पर विकेट लेते हैं। और दोस्तों सातवें नंबर पर हैं फजल हक फारूकी। अफगानिस्तान के धाकर गेंदबाज फजल हक फारूकी को हैदराबाद ने 50 लाख रुपए की कीमत देकर खरीदा था। वे इन दिनों खतरनाक लय में हैं और हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ उनका प्रदर्शन दमदार रहा है। 50 से ज्यादा T20 विकेट ले चुके हैं। फारूकी इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 से भी कम के इकोनॉमिक रेट से गेंदबाजी करते हैं। उन पर सभी की निगाहें रहने वाली है दोस्तों। और आठवें नंबर पर है दोस्तों सिकंदर रजा। सिकंदर रजा को पंजाब की नीलामी में 50 लाख रुपए में खरीदा है। सिकंदर रजा पिछले 2 वर्षों से वनडे और T20 दोनों प्रारूपों में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वह जिम्बाब्वे के बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करते हैं। रजा ने अब तक 168 T20 मैच खेले हैं और 24.23 की औसत और 132.11 की स्ट्राइक रेट से 3320 रन बनाए हैं। उन्होंने 7.38 की इकोनॉमी से 87 विकेट भी लिए हैं। अगले नंबर 9वें नंबर पर आते हैं दोस्तों यश ठाकुर। यश ठाकुर बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले 24 साल के लेफ्ट आर्म पेसर यश ठाकुर को आईपीएल मिनी ऑक्शन में
लखनऊ सुपर ज्वाइंट ने 45 लाख रुपए देकर खरीदा था। मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में पिछले सीजन के 10 मैचों में उन्होंने 15 विकेट चटकाए थे। वे डेथ ओवर में भी शानदार प्रदर्शन करने के लिए काबिल हैं। ऐसे में उन्हें अगर मौका मिलता है तो वे एक शानदार डेब्यू करना चाहेंगे। और लास्ट में 10वें नंबर पर है दोस्तों फिलिप साल्ट। दोस्तों ये फिलिप साल्ट को IPL के आगामी सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। वह बल्ले से ऋषभ पंत की जगह आसानी से भर सकते हैं। साल्ट दुनिया भर की T20 लीग में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं। फिलिप साल्ट ने अब तक 177 T20 मैच खेले हैं और 25.66 की औसत से और 150.51 की शानदार स्ट्राइक रेट से 4055 रन बनाए हैं। उन्होंने अपनी T20 करियर में अब तक 135 छक्के भी लगाए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल नरेंद्र के क्रिकेट को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए दोस्तों आपको दिल से धन्यवाद।